नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आयु संबंधी की इस नई क्लास में आपका स्वागत है। देखिए मेरे भाई, यूथ पब्लिकेशन बुक का हम एडिशन कर रहे हैं और हमारा आयु संबंधी चल रहा है, ठीक है। लगभग 11-12 क्लास हम कर चुके हैं और 121 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं, ठीक है। सवाल को मतलब 1 से लेकर 121 तक हम कम्प्लीट कर चुके हैं। 122 से हम आज की क्लास में कवर करेंगे। तो इसके पहले की यदि वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। आयु संबंधी के नाम से हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं, उसमें सारी वीडियो आपको एक साथ मिल जाएगी, ठीक है। इसके पहले चैप्टर हम किए थे अनुपात समानुपात घातांक करणी और मिश्रण, उसकी भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। सभी चैप्टर पर्टिकुलर अलग अलग बना दिए हैं जिसके अंदर सारे क्वेश्चन आपको एक साथ मिल जाए, ठीक है भाई। जो रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए सभी PYQ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इस बुक में सभी क्वेश्चन दिए हुए हैं जो अब तक के एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो अनुपात समानुपात के बाद हम लोग ये मिश्रण और बाकी घातांक करनी सब कंप्लीट कर चुके हैं। आयु संबंधी के बाद हम और नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। एडवांस भी होगा, अर्थमेटिक भी होगा, सभी चैप्टर को हम जीरो से हीरो तक खत्म करेंगे। साथ ही कुछ ही दिनों में हम रीजनिंग की वीडियो भी चालू कर देंगे, ठीक है, जिसमें यूथ की बुक में जो जो रीजनिंग है उसको भी हम कवर करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है भाई। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पुराने हैं तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। यहाँ पे मेरे भाई 122वां क्वेश्चन है, जिसको आता है वीडियो रोक के बनाइए और जिसको नहीं आता है समझिए। मेरी आयु मेरे बेटे की आयु से 5 गुना अधिक है और 6 वर्ष में मेरी आयु उसकी आयु से 3 गुना अधिक होगी। 2 वर्षों के बाद हमारी आयु क्या होगी ये बताइए। देखिए, अगर आप का कोर्स कंप्लीट है तो क्वेश्चन के प्रैक्टिस करने में मजे आते हैं। नहीं भी कंप्लीट है तो आप शुरू से क्लास देखोगे ना 1 2 3 4 5 6 तो आपको समझ में आ जाएगा, पूरा आयु आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको डायरेक्ट बनाए, यहाँ पे देखना मेरे भाई, यहाँ पे पिता की बात हो रही है और पुत्र की बात हो रही है, क्योंकि उसने बोला है ना मेरे बेटे से, यानी पिता और पुत्र दो लोग हैं सवाल में। यहाँ बोला है मेरी आयु मेरे बेटे की आयु से 5 गुना अधिक है, तो यदि ये 1 होगा तो इसको कितना कर देते हैं, 5 कर देते हैं। ये वर्तमान की बात हो गई, ठीक है। आगे की बात, 6 वर्षों में मेरी आयु उसकी आयु से 3 गुना अधिक होगी, तो के वर्षों में, 6 वर्षों में, यानी हम बोल सकते हैं 6 वर्ष बाद, के वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना होगी, ऐसा सवाल में बोला है, ठीक है। चलिए लगा दीजिए हमारा तरीका जो हम आपको बताते हुए आए हैं। इसको 6 है तो 6 ही रहने दीजिए। यहाँ पे देखिए कितने का अंतर है, तो सर 2 का अंतर है। क्रॉस गुणा करेंगे, 5 एकम हो जाएगा 5 और ये 3 एकम कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे कितने का अंतर है, तो 2 का अंतर है। मैंने आपको डायरेक्ट तरीका सिखाया था कि 2 से 2 कैंसिल होगा तो 6 बचेगा। 6 × 5 = 30 पिता की आयु आ जाएगी और 6 एकम 6 पुत्र की आयु आ जाएगी, ठीक है। एक बार लिख के बता देते हैं, 2 के बटे में 2 गुणा किसका, 6 का। 2 के बटे में 2 लिखते हैं गुणा कर देते हैं 6 का। इसको कैलकुलेशन करिएगा तो क्या मिलेगा, 2 से 2 कैंसिल कितना मिल रहा है भाई, 6 मिल रहा है। 6 का गुणा यहाँ करते हैं, 6 × 5 = 30 और 6 एकम = 6। तो बेटा वर्तमान में कितने साल का है, तो 6 साल का, और पिता वर्तमान में कितने के हैं, तो 30 साल के। अच्छा, पूछा क्या है हमसे, हमसे बोला है 2 वर्ष बाद हमारी आयु क्या हो जाएगी, 2 वर्ष बाद। बहुत ही सिंपल सवाल है, ये बताइए पिताजी आज 30 के हैं, 2 साल बाद कितने के होंगे, तो सर 32 के होंगे। कुछ नहीं करना है, 2 जोड़ना है। अगर हम बात करें कि आज बेटा जो है वो 6 साल का है, तो 2 साल बाद कितने का होगा, 2 जोड़ देते हैं, 8 साल का होगा। 32 और 8 हमारा आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में मेरे भाई, तो सेकेंड ऑप्शन में दिया गया है, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है दोस्त। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ना, बार बार आता है, हम इसको रेगुलर सवाल बोलते हैं, ग्रुप डी 2018 में आया हुआ भी है। प्रैक्टिस करेंगे तो ये लिखने का काम भी नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप कैलकुलेशन वही कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 साल पहले एक आदमी अपने बेटे से 7 गुना बड़ा था और अब से 5 साल बाद वह अपने बेटे से 3 गुना बड़ा रह जाएगा। 2 साल पहले उनकी आयु क्या थी, आखिरी में भी घुमा रहा है, शुरू में भी घुमा रहा है, बीच में भी घुमा रहा है, आपको नहीं घूमना है। RRB पैरामेडिकल में पूछा गया सवाल है। देखिए भाई, अब इसको हम बनाते हैं, 5 साल पहले, यहाँ -5 लिख दो, 5 साल पहले यहाँ पिता लिखे दे रहे हैं और यहाँ का लिख देते हैं पुत्र लिख देते हैं, ठीक है। अब हम रेशो बनाते हैं, तो 5 साल पहले जो पिता है वो अपने बेटे से 7 गुना था, ऐसा सवाल में कहा गया है। 7 गुना था, 7 गुना बड़ा था, यानी 7 गुना था, ठीक है।
5 साल में वहां अपने बेटे से 3 गुना बड़ा हो जाएगा, यानी अभी हुआ नहीं है, 5 साल बाद हो जाएगा। कितने गुना बड़ा हो जाएगा? तो 3 गुना। तो ये एक तो इसको कितना कर देते हैं, 3 कर देते हैं। अब वही तरीका जो हम पिछले क्वेश्चन में किए थे, यहाँ पे टोटल करेंगे, 5 और 5 कितना होगा, 10 होगा। आ रही बात समझ में? 10 होगा, 5 और 5 10 होगा। इसका अंतर कितना है मेरे भाई, 2 का अंतर है। चलिए क्रॉस गुणा करते हैं, 7 एकम 7 और ये हो जाएगा 3 एकम 3। अगर मैं इनका डिफरेंस देखूं तो कितना मिलेगा, 4 का। क्या मिलेगा? 4 का। अब हमारा बच्चा डायरेक्ट यहाँ पे आंसर दे सकता है कि 2 से ये 2 बार कटेगा, 2 से ये 5 बार कटेगा, यानी जो यूनिट आएगी ना x का मान वो 5 आ जाएगा। ठीक है, लिख के बता दें, 2 के बटे में 4 और गुणा किसका करेंगे, देखिएगा 2 के बटे में 4 और गुणा किसका कर देते हैं, तो 10 का गुणा कर देते हैं। अगर यहाँ पे हम कैलकुलेशन करें तो 2 से कटेगा 2 बार और 2 से कितनी बार 5 बार, तो यहाँ हमें कितना मिल रहा है दोस्तों, 5 मिल रहा है। सहमत है? चलिए 5 का गुणा यहाँ करते हैं तो 5 और 7 कितना होगा, 35, और 5 का गुणा यहाँ करें तो 5 एकम कितना होगा, 5। बेटा 5 साल का और पिताजी 35 साल के, लेकिन क्या ये वर्तमान आयु आई है क्या? नहीं, आप जिस रेशो में गुणा करेंगे ना वही आयु आपको प्राप्त होगी। तो 5 साल पहले का रेशो है तो आयु भी कब की आएगी, 5 साल पहले की। यानी मैं बात करता हूं कि 5 साल पहले पिताजी कितने के थे, तो भैया 35 के थे। तो वर्तमान में लाने के लिए कितना जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे। डायरेक्ट जोड़ दूं कि 5 साल पहले का है ना, तो आज मैं आने के लिए 5 जोड़ेंगे, तो 35 और 5 कितना होगा, 40। बात करें बेटे की, तो 5 साल पहले ये 5 साल का था, आज ये कितने का हो जाएगा, तो 10 साल का। ये दोनों लोगों की वर्तमान आयु आ जाएगी। अब हम बात करते हैं हमसे पूछा क्या है, उसने पूछा है 2 साल पहले उनकी आयु क्या थी। 2 साल पहले, भैया देखिए अगर ये 40 का आज है तो 2 साल पहले कितने का होगा, तो सर 38 का। ऐसे ही बात करें पुत्र की, तो ये आज 10 साल का है, 2 साल पहले कितने का था, तो 8 साल का। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैसे ही सवाल हैं, अलग हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, एक व्यक्ति अपने बेटे से 9 गुना बड़ा है, 2 वर्ष बाद पिता अपने बेटे से 6 गुने से 1 वर्ष कम बड़ा होगा, उनकी वर्तमान आयु बताइए। क्या होता है कि जब सवाल में 1 वर्ष कम बोले, अधिक बोले, तो वहां पे फिर हमें क्या है कि x मानना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, बाकी हम डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं रेशियो से। यहां लिखता हूं मैं पिता और यहां लिखता हूं पुत्र। समझना भाई, बहुत प्यारा सवाल है। पिता अपने पुत्र से 9 गुना बड़ा है, तो अगर ये x होगा तो ये कितना होगा, 9x होगा। बोलिए सहमत है, इतना तो कर सकते हैं। अब उसने क्या बोला, 2 वर्ष बाद, तो इसको 2 साल बाद ले जाएंगे तो इसमें कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, तो मैं इसमें क्या कर देता हूँ, 2 प्लस कर देता हूँ, और इसे भी 2 साल बाद ले जाएंगे तो इसमें भी कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे। सहमत हैं? कुछ नहीं किया उसने, बोला 2 साल बाद, तो 2 साल बाद ले जाना है, तो इसमें भी 2 जोड़ दिए, इसमें भी 2 जोड़ दिए। अब सवाल की आगे की लाइन पढ़िए, उसने बोला है 2 साल बाद पिता जो है ना वो अपने बेटे की आयु के 6 गुने से 1 साल कम होगा, अपने बेटे की आयु के 6 गुने से 1 साल कम होगा, कौन होगा, पिता। बीच में लगा देते हैं बराबर का चिन्ह। देखो ऐसा भी कहते हैं कि जिसको बोला है उसे ना करते हुए सामने वाले को कर दिया जाता है, या फिर आप ऐसे भी पढ़ सकते हो कि भैया 2 साल बाद पिता जो है ना वो अपने बेटे की आयु के 6 गुने से 1 साल कम होगा, 6 गुने से 1 साल कम होगा। ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं तो ये हो जाएगा 9x+2 बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 एकम 6x हो जाएगा, प्लस में ये कितना हो रहा है, 6 दुना 12 माइनस कितना, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें गुणा नहीं करिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ हमें क्या दिख रहा है, 9x अपनी जगह, 6x को इधर बुला लो तो काई का हो जाएगा, ये अपना माइनस का हो जाएगा, 12 में से 1 घटाएंगे 11 और 2 को उधर भेज दो तो ये काई का हो जाएगा माइनस का। चलिए यहाँ पे 3x बचेगा और यहाँ कितना बचेगा, तो 9 बचेगा। अगर आप इसको और काटें तो ये कटेगा 3 3 9, यानी x का मान कितना आएगा, तो 3 आ जाएगा।
अगर हम यहाँ 3 रखें x की जगह तो x का मान 3 ही है, और अगर यहाँ 3 रखते हैं तो 9 तिया कितना हो जाएगा 27, 27। यानी हम बोल सकते हैं पिताजी की आयु आ जाएगी 27 साल और बेटे की आयु कितनी आ जाएगी 3 साल। पूछा क्या है ये देखिए, उनकी वर्तमान आयु बताइए, तो 27 और 3 हमारा आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर पहले में मौजूद है। ठीक है, सिंपल है, जैसा उसने बोला है वैसा हम किए हैं और बाकी सवाल अपने आप हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है, जॉन जीन्स की आयु से 2 गुना बड़ा है, ठीक है, 3 साल के बाद उनकी आयु का योग 66 वर्ष होगा, जीन और जान की वर्तमान आयु कितनी है। ये सीधा सीधा सवाल है, यहाँ पे कुछ भी एक मानने की आवश्यकता नहीं है, ये हो जाएगा जॉन, जॉन सीना है क्या, नहीं, और ये हो जाएगा जीन। अब इनमें देखो बात क्या हो रही, जॉन जीन से 2 गुना बड़ा है, यदि ये 1 होगा तो ये क्या होगा 2, और पता है ये वर्तमान की बात हो रही है, बोला है ना कि 2 गुना बड़ा है, यानी ये वर्तमान की बात है, क्लियर है, वर्तमान की बात है। आगे बढ़ते हैं, उसने बोला 3 साल बाद इनकी आयु का योग 66 होगा, 66, आयु का योग कितना होगा 66। देखो योग बदलता रहता है, आयु में अंतर हमेशा समान रहता है, तो ये दोनों को जोड़ के आप नहीं भागा देंगे, समझो ये कब का योग है, 3 साल बाद का, 3 साल बाद का, आपको वर्तमान में लाना है तो घटाना पड़ेगा, ये 3 साल बाद का है, वर्तमान में लाना है तो घटाना पड़ेगा, तो हम कितना घटाएंगे 6 घटाएंगे, 3 नहीं घटाएंगे 6 घटाएंगे, तो क्या मिलेगा 60। सर 6 क्यों घटाया, मेरे भाई 3 इसको कम करेंगे, 3 इसको कम करेंगे तो 6 कम होगा ना, ठीक है, तो ये जो 60 आया है ना ये कब का योग आया है, तो दोस्तों ये वर्तमान का योग है, यानी वर्तमान में ये दोनों की आयु का योग कितना है तो 60 है, 60 को हम भाग देंगे योग से, तो 2 और 1 कितना होगा 3, यदि 3 से इसको भाग दें तो 3 से कटेगा ये 20 बार, कितनी बार कटेगा 20 बार, गुणा कर देते हैं 20 से कम 20 और 20 दुना कितना हो जाएगा तो 40, यानी जॉन की आयु 20 40 साल है और जीन की आयु 20 साल है, ये हमारा आंसर होगा। किस ऑप्शन में है मेरे भाई 40 और 20, देखो 20 40 भी है और 40 20 भी है, थोड़ा ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में घुमाया है उसने, है ना बाबू, देखो यहाँ पे क्या बोला था जॉन और जीन, और यहाँ बोला है जीन और जॉन, मतलब देख रहे हो यहाँ भी मजे ले रहे हैं, यहाँ भी नाइंसाफी हो रही है, तो हम देखते हैं जीन, तो जीन पहले बोला है तो पहले 20 आएगा फिर 40 आएगा, तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा, पहले 20 और फिर 40। ठीक है दोस्तों आगे बढ़े, 126 नंबर, ये वही है रेगुलर सवाल, ठीक है इसको करवा देता हूं मैं। यहां बोला है ए और बी की आयु का अनुपात 3:1 है और 15 साल के बाद अनुपात 2:1 होगा, वर्तमान आयु बताइए। देखो कितना आसान तरीका है, ये ए हो जाएगा और बी हो जाएगा, यहाँ पे कितना है 3:1 है वर्तमान में, है ना, वर्तमान में कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, 15 साल बाद, अब देखो 15 साल बाद क्या हुआ, 15 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाता है, 2:1 हो जाता है। चलिए ये 15 ऐसा के ऐसा रहेगा, हम यहाँ पे लगाते हैं क्रॉस गुणा, डिफरेंस कितने का है 1 का, 3 एक कम 3 और 2 एक कम 2, यहाँ कितने का अंतर है तो 1 का। अब मेरे भाई आपको पूरा करने की आवश्यकता नहीं है, 1 से 1 कैंसिल क्या बचेगा 15, 1 से 1 कैंसिल क्या बचेगा 15, 15 का गुणा यहाँ करिए, 15 एक कम 15 और यहाँ गुणा करेंगे 15 तिया 45, ये देखो खत्म सवाल, पूरा सवाल खत्म, ए की आयु पूछी जाए तो 45 और बी की पूछी जाए तो 15 हमारा आंसर होगा, ये कहाँ दिया है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है, और शायद दूसरी तीसरी क्लास में इस क्वेश्चन जो है ये भर भर के पूछे गए थे, इंपॉर्टेंट है आते हैं। ओके चलते हैं 127 की ओर, 127, लगता है ये भी वैसा ही सवाल है, नरेंद्र की माँ की आयु नरेंद्र की आयु की 4 गुना है, 4 साल पहले माँ की आयु उसकी तात्कालिक आयु की 6 गुना थी, उन दोनों की वर्तमान आयु बताइए।
तात्कालिक बोल के क्या डराना चाहता है? सेम सवाल है ना। देखो ये माँ हो गया और यहाँ पे कौन है, नरेंद्र है ना। यहाँ नरेंद्र को एन लिख देते हैं। उसने क्या बोला है, नरेंद्र की माँ की आयु नरेंद्र की आयु की 4 गुना है, तो ये 1 होगा, तो माँ की आयु कितनी कर देंगे, 4 कर देंगे। क्या बोला है, 4 साल पहले, 4 साल पहले माँ की आयु उसकी आयु की 6 गुना थी, तो ये 1 होगा, तो इसकी आयु कितनी होगी, 6 गुना। ठीक है, वही तरीका मेरे भाई देखिएगा, ये 4 ऐसा के ऐसा रहेगा। ये माइनस पूर्व को दर्शाता है, प्लस बाद को दर्शाता है, बाकी इनका प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं है। चलिए यहाँ कितने का अंतर है, 5 का। चलिए भाई 4 एकम हो जाएगा 4 और 6 एकम हो जाएगा 6, इसमें कितने का अंतर है, 2 का। चलिए डायरेक्ट आंसर कैसे दे सकते हैं, 2 से इसे काटिएगा, 2 बार 2 5 10, 10 एकम 10, 10 चौके 40, माता 40 साल की, बेटा 10 साल का, खत्म सवाल। बोले सर सजा के लिख दो, बिल्कुल, 5 के बट्टे में 2 गुणा कितना 4 है ना। यहाँ देखिएगा 5 के बट्टे में 2 गुणा कितना कर देते हैं, 4, 2 से कटेगा ये 2 बार, 5 दुना कितना हो रहा है मेरे भाई, 10 हो रहा है। अगर 10 का गुणा यहाँ करते हैं तो 10 चौके 40, और 10 का गुणा यहाँ करें तो 10 एकम 10, ये दोनों की आयु आ जाएगी। तो हमसे बोला भी यही था, तो 40 और 10 कहाँ लिखा है भाई, है भी कि नहीं ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा फिर, सेकेंड ऑप्शन। उन दोनों की वर्तमान आयु कितनी है, ठीक है कर लीजिएगा इसको, आगे बढ़ते हैं। राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 7:8 है, और 9 साल के बाद यह अनुपात 8:9 हो जाएगा। राम और श्याम की वर्तमान आयु कितनी है, क्वेश्चन आया है एनटीपीसी 2021 में। ये इस टाइप का तीसरा सवाल रिपीट हो गया है मेरे भाई, और ये मैंने आपको 2 कराए हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है इसको करना है। तो जो भी इसका आंसर है कमेंट में दीजिएगा, इसको मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है, आप भी मत छोड़ देना, आप करिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है। चलते हैं 129 की ओर, 129, ये लीजिए। अब सवाल आया है धुआंधार आरपीएफ एसआई 2019। नीरज की आयु सूरज की आयु से आधी है, यदि नीरज की आयु से 8 घटाया जाए और सूरज की आयु में 5 बढ़ाया जाए, तो सूरज की आयु नीरज से 5 गुना अधिक होगी। 2 साल पहले सूरज की आयु और नीरज की आयु क्या थी, बहुत बढ़िया, मतलब जितना भी घुमाना था वो सब चीजें घुमा ही दी है इसने। चलिए भाई समझना, यहाँ पे अच्छा सा तरीका बता रहा हूं मैं, कुछ भी नहीं है, जो जो बोल रहा है वो करते जाइए। नीरज की आयु सूरज की आयु से आधी है, यहाँ पे हम लिख देते हैं नीरज और यहाँ लिख देते हैं सूरज। देखना मेरे भाई क्या लिख देते हैं, सूरज। इसने बोला नीरज की आयु सूरज की आयु से आधी है, तो ये एक्स होगा, तो इसको क्या लिख देते हैं, 2x। आसान काम बनाइए ना, बटे में 2 लिख के क्या करेंगे। एक बात बताइए, उसने बोला नीरज की आयु सूरज की आयु से आधी है, तो ये 2x होगा, तो 2x का आधा क्या होगा, x ही होगा ना। अरे बाबू इसका आधा करेंगे तो क्या होगा, x ही होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 1। आगे बात करते हैं, उसने बोला नीरज की आयु में से 8 घटाया जाए और सूरज की आयु को 5 बढ़ाया जाए, तो इसकी आयु को हमें 8 घटाना है और इसकी आयु को कितना बढ़ाना है, तो 5 बढ़ाना है, ऐसा बोला है सवाल में। जो जो बोला है वो मैं कर रहा हूं, और कुछ भी हम एक्स्ट्रा अभी तक नहीं किए हैं, ठीक है। इसने बोला नीरज की आयु में से 8 घटाया जाए और सूरज की आयु में 5 जोड़ा जाए, तो क्या होता है, तो सूरज की आयु नीरज से 5 गुना अधिक होगी। समझना, सूरज की जो आयु है ना वो नीरज से 5 गुना अधिक होगी, ठीक है। एक सवाल में अगर ऐसा देखें तो सूरज को बोला है कि सूरज की आयु 5 गुना अधिक होगी, जिसे बोला है उसे ना करते हुए सामने वाले को गुना कर दिया जाता है, ऐसा हम देख सकते हैं। या फिर आप ऐसा देखो, सूरज की आयु नीरज से 5 गुना हो जाएगी, यानी जो सूरज की आयु है ना वो नीरज की आयु की 5 गुना हो जाएगी, 5 गुना कर दिए, बराबर कर देंगे। चलिए कैलकुलेशन करते हैं, 5 एकम हो जाएगा, 5x-k 8 गुंदो 40, 8 गुंदो नहीं बोला है, 8 पंजे 40 बोला है, ध्यान से सुनिएगा, 8 पंजे 40 बराबर, यहाँ हो जाएगा 2x+k कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा।
अब क्या बच रहा है मेरे भाई, यहाँ पे देखो 5x अपनी जगह ऐसा कैसा, 2x को इधर बुला लो तो माइनस का, और ये 5 एज इट इज 40 उधर जाएगा तो काई का हो जाएगा प्लस का। यहाँ पे 3x बराबर कितना हो जाएगा 45, 3x बराबर हो जाएगा 45। अगर आप यहाँ पे काटें तो कितना मिलेगा भाई, 3 एकम 3, 3 5 15, 15 मिलेगा आपको x का मान। तो यहाँ x का मान लिख देते हैं 15, तो बताइए 15 दुना कितना होगा 30, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नीरज कितने साल का है तो 15 साल का, और सूरज कितने साल का है तो 30 साल का। लेकिन आप देखिए ऑप्शन में नहीं है क्योंकि पूछा कुछ और है, ये भी सही देखो पहले ऑप्शन में, लेकिन यहाँ क्या बोला है देखो, घुमाया था भाई, 2 साल पहले सूरज की आयु और नीरज की आयु कितनी थी, सूरज की आयु और नीरज की आयु कितनी थी। डायरेक्ट देखिएगा, अगर ये 30 का था तो 2 साल पहले, ये 30 का है तो 2 साल पहले कितने का होगा 28 का, कोमा ये आज 15 का है तो 2 साल पहले कितने का होगा तो 13 का। तो 28 और 13 कौन से ऑप्शन में है, वही हमारा आंसर होगा। 28 और 13 मुझे ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ढिंग जी का आंसर हो जाएगा, धनधना था। ठीक है मित्रों, 130 नंबर जेई में पूछा गया सवाल है, ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 है, 10 वर्ष के बाद इनकी आयु का योग 80 होगा, उनकी आयु बताइए। भैया सवाल तो सरल है लेकिन करा देते हैं आ गया है। देखो 3:2 कितना है, 2 है, 10 साल बाद इनकी आयु का योग कितना होगा, 10 साल बाद इनकी आयु का योग हो जाएगा 80 वर्ष, कितना हो जाएगा 80 वर्ष। एक बात बताइए, 10 साल बाद होगा, अभी नहीं हुआ है ना, तो इसको वर्तमान में लाने के लिए घटाना पड़ेगा, 10 इसको कम करेंगे 10 इसको कम करेंगे, कितना कम होगा 20 कम होगा, 20 कम होगा तो वर्तमान आयु का योग कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 60। चलिए 60 को भागा देते हैं, 3 और 2 हो जाएगा 5, 5 से यदि भागा दें तो 5 से कटेगा 12 बार, चलिए 12 दुना होता है 24 और 12 तिया होगा 36, ए 36 साल का, बी 24 साल का, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसे सवाल पुरानी क्लास में बहुत सारे हुए हैं, आप जाके देखिएगा, कवर कीजिएगा, ठीक है, और सभी रेलवे के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है इनको, आए हुए सवाल है, रिपीट होते हैं तो पढ़ना है। तो ये 60 जो है ना, हम बना लिए इसको वर्तमान का, वर्तमान के रेशियो से भाग दिए 12 आया, 12 दुना 24, 12 तिया 36, खत्म। देखो अब आया मजेदार सवाल, इसने क्या करा है कि रेशो हमें 1 साल पहले का दे दिया है और योग वर्तमान का दे दिया है। मैं तो यही कहूंगा कि जैसा रेशो है वैसा योग को कन्वर्ट कर लो, काम आसान हो जाएगा, ठीक है। एक वर्ष पहले दोनों बहनों की आयु का अनुपात 2:3 था, 1 साल पहले, बेबी एक तो ए हो गया और एक बी हो गया, ये दोनों की आयु का अनुपात कितना था, 2:3 था 1 साल पहले, उनकी वर्तमान आयु का योग 12 है, योग कितना है 12 है। अब ये 12 जो है ना, ये वर्तमान आयु का योग है, अब ये बताइए उसमें घटाएंगे कि जोड़ेंगे, सबसे पहली बात। तो देखो हमको क्या है कि रेशो को पीछे ले जाना है, सॉरी रेशो तो पहले से पीछे है, योग को पीछे ले जाना है, तो पीछे ले जाने के लिए घटाएंगे, ठीक है, घटाएंगे, जैसा रेशो होगा वैसा ही काम करेंगे ना। तो यहाँ पे एक बात बताइए, एक आयु इसकी घटेगी, एक इसकी घटेगी, तो कितनी घटेगी 2, अगर हम 2 को घटा दें तो ये जो आया ना 10 साल, ये 10 साल का योग कब का है जानते हैं, 1 साल पहले का, 1 साल पहले का, 1 साल पहले इन दोनों की आयु 10 साल थी, 1 साल बाद इन दोनों की आयु 12 हो जाएगी, ठीक है, ये बात है। तो वर्तमान में 12 होगी, अभी नहीं हुई है, 3 और 2 कितना होगा 5, 5 से हम इसको भाग देते हैं, ठीक है, 5 से इसको भाग दें तो कितनी बार जाएगा 2 बार, गुणा कर दो, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, ये 4 साल का और ये 6 साल की, मतलब सॉरी दोनों बहने हैं, ये 4 साल की और ये 6 साल की, लेकिन रेशो कब का है 1 साल पहले का, तो आयु भी कब की आएगी 1 साल पहले की, तो अगर 1 साल पहले ये 4 साल की थी तो आज में लाने के लिए 1 जोड़ेंगे, आज कितने की होगी 5 साल की, 1 साल पहले ये 6 साल की थी तो आज में लाने के लिए 1 जोड़ेंगे तो आज कितने की होगी 7 साल की, 5 और 7 ऑप्शन में है क्या, देखिएगा
बिल्कुल है सर, ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, ये लीजिए, अब आया है शानदार सवाल। दो भाइयों की आयु का योग और अंतर का अनुपात हमें दे रखा है 5:1। उनकी आयु का गुणनफल 96 है तो आयु बताइए। अगर हम बात करें तो ऑप्शन में 12 8 96, 16 6 96, 24 4 96, ऑप्शन नंबर सी गलत है। बोले ये बढ़िया मदद करी, मदद तो कुछ नहीं है, ऐसे ही बताया है। देखो भाई, अब हम क्या करते हैं थोड़ा सा समझना। दोनों भाइयों की आयु का योग, हमें योग का और अंतर का रेशो दिया है। एक्स वाई माइनस अंतर मान लेते हैं, एक्स प्लस वाई योग मान लेते हैं। इनका रेशो है 5:1, सहमत हैं? 5:1। अगर आप लोग पुरानी क्लास देखोगे ना तो वहां पे ऐसे कुछ सवाल आए थे, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे आप नाव धारा वाली मेथड लगाइए। एक्स प्लस वाई का मान 5 है और एक्स माइनस वाई का मान 1 है, तो एक्स का मान चाहिए तो दोनों को जोड़कर आधा करेंगे, वाई का मान चाहिए तो दुई को घटा के आधा करेंगे। ये नाव धारा में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आयु की पुरानी क्लास जाके देखिएगा, हम इसका सॉल्व कर सकते हैं। तो 5 और 1 होगा 6, 6 का आधा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आगे बात करते हैं, 5 में से घटाएंगे 4, 4 का आधा 2 हो जाएगा। ये आ गया एक्स और वाई का मान, क्या बोलते हैं बताया आपको। जैसे कि देखो, 3 और 2 को जोड़ोगे 5, 3 में से 2 घटाओगे 1, ये प्रूफ भी हो गया। अच्छा आप देखो, उसने क्या बोला है कि इनकी आयु का गुणनफल 96 है, तो हम इसको 3x लिखते हैं, इसको 2x लिखते हैं, है ना, और आंसर निकालते हैं। तो हम बोलेंगे 3x और 2x, ये वाला एक समझ समझना है ना भाई, समझो हम रेशो को 1 से बना रहे हैं, कुछ बताना है आपको। कितना हो जाएगा? 96। अगर इसको आप कैलकुलेशन करें तो 3 दूनी 6, 6 से कटेगा ये 6 एकम 6, 6 6 36। एक्स एक्स क्या होगा? एक्स स्क्वायर बराबर 16, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। डायरेक्ट लिख दो भाई, डायरेक्ट लिख दो, 4 होगा। आप खुद देखो, 16 किसका वर्ग होता है? 4 का वर्ग होता है, क्लियर है? एक्स का मान 4 हो जाएगा। चलिए, 4 दुना हो जाएगा 8 और 4 3 कितना हो जाएगा? 12। 12 और 8 हमारा आंसर होगा, लीजिए 12 और 8 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन में है क्या? पहले ऑप्शन में मौजूद है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ऑप्शन से भी कर सकते थे, लेकिन वहां जोड़ के घटाते और जोड़ के देखते घटा के देखते रेशियो निकालते हैं तो भी हो जाता है, ठीक है? लेकिन ये बेसिक मेथड है, आपको आगे भी काम आएगा, तो ध्यान रखिएगा। ये देखो, सिंधु घाटी सभ्यता, ग्रुप डी 2018, सिद्धू और बिंदु, बिंदु सिद्धू और बिंदु की आयु का योग जो है वो 30 है। सिंधु और बिंदु की आयु का योग जो है ना वो 30 है, और ये दोनों की आयु का गुणनफल 221 है। सिंधु और बिंदु की आयु का गुणनफल 221 है, तो हमसे बोला है कि इनकी आयु कितनी है। अच्छा, पहली बात तो पता है, ऑप्शन में दोनों की आयु पूछी है ना, तो आसान काम हो जाएगा, दोनों का योग 30 होगा। 15 15 30 17 और 13 भी 30, ये भी 30 हो रहा है, सभी 30 है, सबका योग 30 है, क्या बात है। देखो हम एक और काम कर सकते हैं, पता है गुणनफल के फैक्टर करते हैं मेरे भाई, फैक्टर कैसे करते हैं? जैसे कि आपको 221 दिया है ना, इसके फैक्टर करो, यहां से आपको आंसर मिल जाएगा 221 है। 221 ये बताओ, 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से भी भाग नहीं जाता है, 3 से भी नहीं जा रहा है, 2 2 4 और 1 5, 5 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा। अच्छा अगर ऑप्शन की मदद लें तो हम बोलते हैं कि ये 13 से भाग दे के देखते हैं, 13 से भाग जाएगा क्या? 13 एकम 13, 9 बचेगा, 13 7 91 और 17 अभाज्य है, तो 17 से भी 1 बार जाएगा, क्या बात है। लो जी, मदद हो गई भाई साहब, क्योंकि 15 से जा नहीं रहा था, तो हमने 13 से भाग दिया और 17 से भाग दिया, तो एक संख्या 13 है, एक संख्या 17 है, यानी कि अगर इसके फैक्टर करें तो हम बोलेंगे एक संख्या 13 और एक संख्या 17, और 13 और 17 का जो योगफल है ना वो कितना होता है? तो 30 होता है, तो उनकी आयु आ जाएगी 13 और 17, खत्म। अब कौन बड़ा है कौन छोटा है ये पूछा नहीं है, ना ये दिया है, तो 13 17 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखूं तो 17 13 ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, यहां पे क्या सवाल है देखो,
सुधा की आयु राधा से दोगुना अधिक है, और राधा की आयु से 6 को घटाया जाए और सुधा की आयु को 4 बढ़ाया जाए तो सुधा की आयु राधा से 4 गुना अधिक होगी। 2 साल पहले उनकी आयु क्या होगी? यार ऐसा जस्ट एक सवाल कराया था, उसने नाम बदल के और संख्या बदल के दिया था, वैसा के वैसा सवाल रिपीट हुआ है। यहाँ तो हम लिख देते हैं सुधा और यहाँ लिख देते हैं राधा। बाबू देखिएगा 134 नंबर है, सुधा की आयु राधा की आयु से 2 गुना अधिक है। सुधा की आयु राधा से 2 गुना है, राधा की आयु 1 है तो सुधा की 2x। सहमत है, आगे बढ़ते हैं। उसने क्या बोला है देखो, राधा की आयु को 6 घटाओ और सुधा की आयु को 4 बढ़ाओ, तो यानी हम सुधा की आयु को 4 वर्ष बढ़ा देते हैं और राधा की आयु तो पहले ही कम थी, इसको और कम कर देते हैं, के वर्ष 6 वर्ष कम कर देते हैं। अब क्या बोला है तो यहां से देखिएगा, तो सुधा की आयु राधा से 4 गुना होगी, जो सुधा की आयु है वो राधा से के गुना होगी, 4 गुना होगी, तो राधा से 4 गुना कर देते हैं किसकी आयु, सुधा की आयु। कर दो कैलकुलेशन, 2x + k 4 बराबर 4 का गुणा कीजिएगा 2 में, 4x - 6 चौक कितना होगा तो 24 होगा। 4 अपनी जगह 24 को इधर भेज दो तो प्लस का 24 हो जाएगा, और ये 4x एज इट इज, 2x को उधर भेजो तो काई का हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है 28 बचेगा और बराबर में उधर कितना दिख रहा है तो 2x दिख रहा है। सहमत है क्या, यहीं पे काट सकते हैं क्या? बिल्कुल, अगर 2 से भागा दें तो 14 बार कटेगा, तो x का मान कितना आएगा 14 एकम 14 और 14 दूना होगा 28। सुधा 28 साल की और राधा 14 साल की, खत्म। दोनों की वर्तमान आयु आ गई, लेकिन हमसे पूछा है कि 2 साल पहले की आयु बताओ, 2 साल पहले सुधा और राधा की आयु, तो ये 28 की है तो 2 साल पहले कितने की थी, 26 की, और ये 14 की है तो 2 साल पहले कितने की थी, तो 12 की। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है मित्र, एक और सवाल, ये क्या कह रहा है देखिए इसको। किरण ने वरुण से कहा कि उसका भाई अभी उससे 4 साल छोटा है, और अभी ने बताया कि उनकी आयु का योग 32 है, किरण और अभी की उम्र कितनी है, वरुण की सहायता करें। वाह भैया, वरुण की सहायता करो। देखो यहां हम लिखते हैं किरण, और एक किरण का भाई है अभी, वरुण की तो सहायता हो रही है ये पता लगाने में कि उनकी आयु कितनी है। किरण ने बताया कि वरुण का भाई उससे जो है, वरुण को बताया कि उसका भाई अभी 4 साल छोटा है, तो अगर हम इसको x माने तो किरण की जो आयु होगी वो 4 साल ज्यादा होगी। बोलिए सहमत है क्या, ये x तो ये x प्लस 4, अगर मैं ये दोनों को जोड़ता हूं, अगर मैं ये दोनों को जोड़ता हूं तो योग 32 आ जाएगा। बोलो सही है क्या, योग कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, तो x और x होगा 2x बराबर 32, 4 उधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 28, अगर इसको और काटें तो 2 से कितना हो जाएगा 14, तो ये 14 हो जाएगा और 14 में 4 जोड़े तो 18 हो जाएगा, यानी किरण 18 साल की और उसका छोटका भाई जो है ना अभी वो 14 साल का होगा। क्या ऑप्शन है भाई, ऑप्शन भी अटपटे हैं का, किरण 28 की और अभी 14 का, बिल्कुल ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, किरण 28 की और अभी 14 साल का। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका 135 तक डेटा कंप्लीट हुआ, बाकी 136 से लेके आगे के सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।